यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 49। यशायाह अध्याय 49। हे द्वीपो मेरी ओर कान लगाकर सुनो, और हे दूर दूर के राज्यों के लोगों ध्यान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया। जब मैं माता के पेट में था तब ही उसने मेरे नाम की चर्चा की, और उसने मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। फिर मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश में गुप्त रखा और मुझसे कहा कि तू मेरा दास इसराइल है, तुझमें मैं अपनी महिमा प्रकट करूंगा। तब मैंने कहा कि मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया और व्यर्थ ही अपना बल खो दिया, तो भी निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास है और मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में है। और अब यहोवा जिसने मुझे जन्म ही से इसलिए रचा कि मैं उसका दास होकर याकूब को उसकी ओर फेर ले आऊं, अर्थात इस्राएल को उसके पास इकट्ठा करूं, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं प्रतापमय हूं और मेरा परमेश्वर मेरा बल है। उसी ने मुझसे यह भी कहा है कि यह तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इस्राएल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे, इसलिए मैं तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि तू पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक मेरी ओर से उद्धार का मूल हो, जो मनुष्यों से तुच्छ जाना जाता और जिससे जाति को घृणा है और जो अपराधियों का दास है, उससे इस्राएल का छुड़ाने वाला और उसका पवित्र अर्थात यहोवा यो कहता है कि राजा देखकर खड़े हो जाएंगे और हाकिम दंडवत करेंगे, और यह यहोवा के निमित्त होगा जो सच्चा और इस्राएल का पवित्र है और जिसने तुझे चुन लिया है। यहोवा यो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की है, और मैं तेरी रक्षा करके लोगों के लिए तुझे एक वाचा ठहराऊंगा ताकि देश को सुशोभित करे और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में दे दे, और बंधुओं से कहे बंदीगृह से निकल आओ, और जो अंधियारे में है उनसे कहे कि अपने आप को दिखलाओ, वे मार्गों के किनारे किनारे चरने पाएंगे और सब मुंडे टीलों पर भी उनको चराई मिलेगी। वे न भूखे होंगे न प्यासे, और न लोहू न घाम उन्हें लगेगा, क्योंकि वह जो उन पर दया करता है वही उनका अगुआ होगा और जल के सोतों के पास उन्हें ले चलेगा। और मैं अपने सब पहाड़ों को मार्ग बना दूंगा और मेरे राजमार्ग ऊंचे किए जाएंगे। देखो ये तो दूर से आएंगे, और ये उत्तर और पश्चिम से और सिनियों के देश से आएंगे। हे आकाश जय जयकार कर, हे पृथ्वी मगन हो, हे पहाड़ों गला खोलकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और अपने दीन लोगों पर दया की है। परंतु सियोन ने कहा है कि यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए हुए बच्चों को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे भूल नहीं सकता। देख मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है, और तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। तेरे लड़के तो फुर्ती से आ रहे हैं, और खंडहर बनाने वाले और उजाड़ने वाले तेरे बीच से निकल जा रहे हैं। अपनी आंखें उठाकर चारों ओर देख कि वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ तू निश्चय उन सबों को गहने के समान पहन लेगी, और दुल्हन की नाई अपने शरीर में उन सबको बांध लेगी, और तेरे जो स्थान सुनसान और उजड़े हैं और तेरे जो देश खंडहर की खंडहर है उनमें निवासी अब न समाएंगे और तुझे नष्ट करने वाले दूर हो जाएंगे। परंतु तेरे जो पुत्र तुझसे ले लिए गए वह तेरे कान में फिर कहने पाएंगे कि यह स्थान हमारे लिए सकेत है, हमें और स्थान दे,
कि उसमें रहे, तब तू मन में कहेगी कि किसने मेरे लिए इनको जन्माया। मैं तो पुत्रहीन हो गई और मैं बांझ हो गई, दासत्व में रही और मैं यहां वहां घूमती रही, इनको किसने पाला। देख, मैं अकेली रह गई थी, फिर यह कहां थे। प्रभु यहोवा यो कहता है कि देख, मैं अपना हाथ जाति जाति के लोगों की ओर उठाऊंगा और देश देश के लोगों के सामने अपना झंडा खड़ा करूंगा। तब वे तेरे पुत्रों को अपनी गोद में ले आएंगे और तेरी पुत्रियों को अपने कंधे पर चढ़ाकर तेरे पास पहुंचाएंगे, और राजा तेरे बच्चों के निज सेवक और उनकी रानियां दूध पिलाने के लिए तेरी दाइयां होंगी। वे अपनी नाक भूमि पर रगड़कर तुझे दंडवत करेंगे और तेरे पांव की धूली चाटेंगे, और तू यह जान लेगी कि मैं ही यहोवा हूं, और मेरी बाट जोहने वाले कभी लज्जित न होंगे। क्या वीर के हाथ से शिकार छीन लिया जाएगा, क्या धर्मी के बंधु छुड़ा लिए जाएंगे। तो भी यहोवा यो कहता है कि हाँ, वीर के बंधुए उससे छीन लिए जाएंगे और बलात्कारी का शिकार उसके हाथ से छुड़ा लिया जाएगा, क्योंकि जो तुझसे मुकदमा लड़ते हैं उनसे मैं आप मुकदमा लड़ूंगा, और तेरे लड़के बालों का मैं आप उद्धार करूंगा, और जो तुझ पर अंधेर करते हैं उनको मैं उन्हीं का मांस खिलाऊंगा, और वे अपना लोहू पीकर ऐसे मतवाले होंगे जैसे नए दाख मधु से होते हैं। तब सब प्राणी जान लेंगे कि तेरा उद्धारकर्ता यहोवा, तेरा छुड़ाने वाला याकूब का शक्तिमान मैं ही हूं।